Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Contemporary South Asia. In the previous class we have started the chapter and we have discussed what do we mean by South Asia, which countries are included in South Asia, and now we have also seen that one of the most important feature of this region is that the people of this region are actually aspiring for democracy, and that is why we see that all the countries of South Asia are actually moving in the direction of democracy. And we have also discussed that some surveys were conducted regarding democracy. What is the attitude of the people of this region of the survey was conducted for the people of the five countries. We have seven countries in South Asia, but the two smallest countries, Bhutan and Maldives, were excluded in this survey. Jo five big countries are like India, Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh. Inka Nepal, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, नॉट भूटान एंड मालदीव्स. तो इन पांच कंट्रीज में सर्वे किया गया. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. लोगों का व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टूवर्ड्स डेमोक्रेसी. और इन सारे जो सर्वे हुए उसमें यही सर्वे का यही कंक्लूजन रहा कि पीपल वॉन्ट डेमोक्रेसी. ऑल द पीपल, दे मे बी रिच, दे मे बी पुअर, इट डजेंट मैटर. ऑल द पीपल ऑफ दिस रीजन, दे व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट द Institute of Representative Democracy. So you will see in your book, it's given on page number 67. Okay, page number 67 जो आपकी book में है उसमें कुछ data दिए हुए हैं. तो अभी हम लोग उस data को ही interpret करेंगे, ठीक है. हम जो सर्वे हुए इन पांच कंट्रीज में, उन पांच कंट्रीज में सर्वे का क्या, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द सर्वे. तो जैसे अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि देर आर फाइव कॉलम्स, ठीक है. फाइव कॉलम्स आर फॉर कंट्रीज. तो अगर हम लोग इसको कॉलम में लिखते हैं, यस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए हम लोग बीडी यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन नेपाल और श्रीलंका, दीज आर द फाइव कंट्रीज. इन पांचों कंट्री में सर्वे हुआ और इस सर्वे में क्या देखा गया कि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है उसका ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज फेवरेबल. 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल. डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसी को हम प्रेफरेंस देते हैं. तो ये जो पहला जो हमारा कॉलम हो रहा है दैट इज रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल. ओके, कि डेमोक्रेसी को हम प्रेफर करते हैं. 70% ऑफ इंडियंस प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में
ये काफी कम चला जाता है, परसेंटेज 37% हो जाता है। दैट इज वी कैन से एक हमारे डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो पाकिस्तान में 37% ऑफ द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड नाउ वी सी बांग्लादेश। इन बांग्लादेश 69% पॉपुलेशन is of the opinion that democracy is preferable. This percentage is 62 in Nepal and 71 in Sri Lanka. तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि ये काफी नीचे चला जा रहा है, पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सारे कंट्रीज में ये 60 से 70 के बीच में है। मतलब 60% से 70% जो पॉपुलेशन है वो यही चाहती है कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा ये है वो ये है कि समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर। ये ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर। ओके, समटाइम्स Sometimes dictatorship is better. ऐसा इंडिया में कितने लोग सोचते हैं? ऐसा इंडिया में सोचने वाले लोगों का परसेंटेज बहुत ही कम है। Only 9% of the Indians are of the opinion that sometimes dictatorship is better than any other form of government. It is only 9%. If we see it in Pakistan, it's 14%. In Bangladesh, it's 6% population thinks that sometimes dictatorship is better than any other form of government in Bangladesh. Okay, likewise Nepal mein jo hai 10% of the population thinks like that this, and in Sri Lanka 11%. Okay, so this is your you can say kitna ye low hai, hai na? 9% इंडिया में, 6%, 10%, 11%, 14% भी लो ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा कुछ मतलब इतने परसेंट लोग ही हैं जिसको कहेंगे कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 6 से 14% के बीच में लोग जो हैं वो रेंज कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें कि डिक्टेटरशिप ही बेटर हो जाता है। और थर्ड जो है जिस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं वो है डजंट मैटर टू मी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो रहा है कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया में ऐसे लोग अगर हम देखें तो 21% है। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान में ऐसे लोगों को देखें तो ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, 49% है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है ना? Doesn't matter to me, what does it mean? ये क्या imply करता है, इसका implication क्या होगा? ठीक है, पहले percentage देख ले रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं उनका number है 25%. 25% of Bangladeshis are of the opinion that it doesn't matter to them what form of government is there. It may be dictatorship, it may be democracy, but it does not make any difference in their life. It is their opinion. Okay. और अगर नेपाल में देखें तो ये हमारा 28% है, और श्रीलंका में ये हो जाता है 18%। ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डज नॉट मैटर टू मी, इसका ये इम्प्लीकेशन हो रहा है कि दिस शोज द unawareness of the people. People are not very much aware, they do not take that much interest in the political system of the country, जो कि सही नहीं है, it is negative. ये percentage कम होना चाहिए था, जो कि हो रहा है।
ग्रेजुअली दिस परसेंटेज इज कमिंग डाउन. इसको और भी कम होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमें ये मैटर नहीं करता है, हम ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो हमें उससे मतलब नहीं, इसका मतलब हम वी आर नॉट अवेयर एंड इसका निगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए. और इस तरह की कंट्री जो है, हम कहेंगे कि डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने में इसको बहुत ही आसानी होगी. ऐसे कंट्रीज को, डेमोक्रेसी को ये वीक करता है इस तरह की जो सोच है. जब तक हमारी सोच, जनता की सोच ये नहीं होगी कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए, तभी डेमोक्रेसी रियल बनती है, मीनिंगफुल बनती है, स्ट्रांग बनती है. तो ये इस कारण अगर ये परसेंटेज आपका ज़्यादा हो रहा है तो ये इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट अ गुड साइन. तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो फिर से पाकिस्तान में ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 49% है. ये एक तरह से लोगों की पॉलिटिकली पीपल आर इलिटरेट ये बताता है. जब जब इस परसेंटेज, ये परसेंटेज बढ़ रहा है कि डज नॉट मैटर टू मी, इट मीन्स कि पीपल आर पॉलिटिकली इलिटरेट. तो यहाँ पर 49% सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है, और इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो वो एक अपना लेवल मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है. तो दैट इज द रीजन, इसके ज़्यादा होने के कारण ही ये बहुत कम है ना. क्योंकि लोगों में अगर एस्पिरेशन नहीं होगी डेमोक्रेसी की, तो फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी जाएगा तो वो रियल नहीं हो पाएगी, वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएगी. दैट विल बी ओनली अ काइंड ऑफ शो ऑफ, है ना. तो ये हमने साउथ एशिया के इसमें देखा कि किस तरह से अगर इसमें हम देखें तो पाकिस्तान को सिर्फ छोड़ दें तो बाकी सारे कंट्री में जो है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो यही चाहती है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर शुड बी डेमोक्रेसी. अगर हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स कि वी आर सेइंग दैट देयर शुड बी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज, बड़े कंट्रीज हैं, उनका यही मानना है, उनके लोगों का यही मानना है कि डेमोक्रेसी इज सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, इसी तरह से अगर ये देखें तो समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, तो उसमें भी बहुत कम परसेंटेज है जो कि इस बात को मान रहा है. तो ये एक अच्छी साइन है ना. और इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया. अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. आप देखेंगे कि एक मैप बना हुआ है पूरी साउथ एशिया का, आपके बुक में जहाँ पर ये कॉलम है, ये डेटा है, वहीं पर एक मैप बना हुआ है. और इस मैप में रेड में दिखाया गया है 62% को. जैसे ये जो यहाँ पर जो कलर, जिस कलर से इसको डिनोट किया गया है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, वो रेड है. जिस कलर से समटाइम्स डिक्टेटरशिप बेटर, वो येलो है ना. और जिस कलर से डजंट मैटर टू मी, वो ब्लू है. तो अब इसको अगर हम पूरे साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें क्या करना होगा कि हम तो ये जो डेटा है वो कंट्री वाइज है ना, एक एक कंट्री का हमने देखा. अब अगर इसको हम पूरे साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो हमें क्या करना होगा. जैसे डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, ठीक है, ऐसा 70 इंडियंस चाहते हैं, 37% पाकिस्तानी, 69% बांग्लादेशी, 62% नेपालीज एंड 71% श्रीलंकन्स चाहते हैं. अब इसका हमको एवरेज निकालना होगा. अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि साउथ एशिया में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है पूरे साउथ एशिया में ये कहती है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पहला वाले कॉलम में जो भी नंबर है इसका हमको एवरेज निकालना होगा. तो यहाँ पर एक कॉलम हम बना दे रहे हैं एवरेज का. ठीक है, इसमें हमको ऐड करना है इन सारों को. तो ऐड जब हम करेंगे तो ये 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 7 = 19, एक कैरी ओवर हो गया. 8 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 23, 23 + 7 = 30, 309. नाउ दिस 309 विल बी डिवाइडेड बाय 5 कंट्रीज आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5. कैसे निकालते हैं एवरेज, जो भी सम होता है या जो भी अमाउंट है, जो कुछ भी है, उसको सम करके टोटल करके फिर उसको नंबर ऑफ
पीपल, नंबर ऑफ कंट्रीज जो भी है उससे हम उसको डिवाइड कर देते। तो यहाँ जो हमारा सम आया वो 309 आया एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 5। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 61.309 डिवाइडेड बाय 5, 6 या 30 हो गया और 9 फिर 1 टाइम में जाएगा, है ना, 5 हो गया, 4 रिमाइंडर हो गया, 61.8। तो अगर इस 61.8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 62%, है ना। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो राउंड ऑफ करके ये हो गया हमारा 62%। यू विल सी जो मैप बना हुआ है साउथ एशिया के, उसमें रेड कलर से जो एरिया दिखाया जा रहा है वो 62 लिखा हुआ है। तो यही यहां से हुआ है, 62 एवरेज है वो, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग ऐड करेंगे कि कितने लोग हैं पूरे के पूरे साउथ एशिया में जिनका ये कहना है कि समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर। तो इसको हम लोग फिर से ऐड करेंगे, 10 + 11 + 9, 10 + 10 = 20, 20 + 30 = 40, 50, है ना। अगर इसको सबको ऐड करेंगे आप तो 50 आ रहा है। तो नाउ 50 will be divided by 5, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 10। यू विल सी इन योर बुक, इन दैट मैप ऑफ साउथ एशिया, दिस येलो कलर इज डिनोटेड बाय 10। तो ये यही 10 है जो कि इस सारे साउथ एशिया के 5 कंट्रीज का एवरेज है कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 8 = 23, 23 + 8 = 31, then 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 10 + 11 = 12, 13 = 14, 141, and now this 141 will be divided by 5। तो अगर 141 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो सम हुआ वो 141 हुआ एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, देन 4 रिमाइंडर हो गया 41, 5 8 जो 40 एंड देन 10 हुआ डेसिमल देके, तो 5 × 2 = 10, 28.2। इसको फिर से हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? राउंड ऑफ करने पर ये 28% हो जाएगा, ठीक है। तो 28% of the population in South Asia are of the opinion that it does not matter to me what type of government is there. So this is your complete interpretation of the data. You will see जो आपका map दिया हुआ है और उसके नीचे जो column दिया हुआ है उसको आप अब पूरी अच्छी तरह समझ लेंगे, एक बार बस एक बार उसको देखेंगे आपकी समझ में चीजें सही से आ जाएंगी, है ना। अभी एक और सर्वे किया गया है और उस सर्वे में जो ये देखा गया कि हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर आर कंट्री। द क्वेश्चन वाज कि हमारी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी कितनी सुटेबल है। तो इसमें भी जो साउथ एशिया के जो 5 कंट्रीज हैं उनका ही सर्वे, उनके ही लोगों का सर्वे किया गया और सर्वे में ये देखा गया कि इसको हम लोग फिर से बना लेंगे, ये वाला जो नया वाला अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में हम क्या देखते हैं कि 93% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसका ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज सुटेबल। 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर आर कंट्री। अगर यही परसेंटेज हम श्रीलंका में देखें तो ये क्या करके 92% श्रीलंका में है, जो कि बहुत ही हाई है। 93% बांग्लादेश, 92% श्रीलंका, ये काफी हाई परसेंटेज शो कर रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो ये परसेंटेज भी इंडिया में भी 92% पे है, जो कि एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। पाकिस्तान में ये थोड़ा नीचे है, 84% है, जहाँ की लोग ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही उनके कंट्री के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 84%। एंड नेपाल में ये नीचे चला जाता है थोड़ा,
जो कि 79% पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये बताता है कि इन साउथ एशियन रीजन, अगर साउथ एशिया में हम देखें तो जो मेजोरिटी है, काफी ज्यादा जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। इसमें भी हम पूरे साउथ एशिया का वो निकालेंगे, क्योंकि ये डेटा भी आपका दिया हुआ है। साउथ एशिया में ये दिया हुआ है 88%। कहाँ से ये 88% आया? ये इसका एवरेज है। ठीक है, इन सबको हमको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का जो आया हाथ, 9, 3, 27, 28, 29, 28, 29, 28, 29, 28, 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
15. सो जो सम आ रहा है वो हमारा 440 है, तो अब क्या करेंगे हम, 440 विल बी डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 5 फिर 4 रिमाइंडर बचा, 5 8 40, तो 88, यही है ये 88, है ना। तो इस तरह से जो 88% साउथ एशिया में रहने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट फेवरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये आपके सेकंड वाला डेटा को भी हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया, और अब आगे हम देखते हैं। सो ये जो सर्वे हुआ, ये सर्वे किसने किया, ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। ये सर्वे करने वाले जो थे उनको हम कहेंगे SDSA क्या हुआ, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। SDSA टीम है जिसने ये सर्वे किया, SDSA स्टेट ऑफ ठीक है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। और ये कब हुआ था, ये हुआ है 2007 का, ये डेटा है 2007 में सर्वे हुआ था, तो ये डेटा उसी समय का है। और इसके अलावा एक और डेटा हमारे पास अवेलेबल है जिसको कि जो कि UNDP जिस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस डेटा को पब्लिश करती है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास 11th में, डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है बुक 2 में, उसमें हमने देखा था ना कि डेवलपमेंट के दो कॉन्सेप्ट है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिया जाता है, बट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी डेवलप्ड, और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये पहले जैसे बिल्कुल भी पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही माना जाता था डेवलपमेंट का मतलब, लेकिन आज के समय में डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और इसके लिए UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, फिर 11th में भी पढ़ा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल इशू करती है, ठीक है। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज को रैंक देती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में SDR में SDI मिलता है, और इसमें मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो यही है कि हेल्थ और एजुकेशन की क्या कंडीशन है किसी कंट्री के अंदर में, और हेल्थ और एजुकेशन की जो स्टेटस होती है उसके उसको मापने के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, लाइक इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा है तो उस कंट्री में हेल्थ सिस्टम अच्छी नहीं है। इसी तरह से जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम है तो अच्छी है हेल्थ सिस्टम, तो उसका SDI रैंक ऊपर हो जाएगा इस वजह से, अगर वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम है। इसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है इसका मतलब कि कंडीशन अच्छी है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, दैट इज़ वाई देयर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाई, है ना। तो उस तरह की कंडीशन कंट्री का भी वो जो SDI रैंक है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से अदर क्राइटेरिया होते हैं जैसे अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है अडल्ट्स में, है ना,
अगर लिटरेसी रेट अच्छी है तो HDI ज़्यादा होगा, लिटरेसी रेट कम है तो HDI कम होगा, है ना। इसी तरह से जो स्कूल्स में एनरोलमेंट का जो रेशियो होता है उसको भी इसमें कंसिडर किया जाता है, GDP पर कैपिटा इनकम वो भी देखा जाता है ना। ये तीन क्राइटेरिया एक्चुअली होते हैं HDI बनाने का, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तैयार होती है उसमें तीन चीज़ें, इसको आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। United Nations Development Program, ठीक है, इसको हम कहते हैं UNDP। ये UNDP जो है एवरी ईयर इट पब्लिशेस अ रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड ह्यूमन Human Development Report. What is the criteria on the basis of which this Human Development Report is prepared? The criteria is three criteria. The first is per capita income. Then second is health status and third is condition of education. तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही देखा जाता है, लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हेल्थ स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड ये कैसे पता चलता है कि हेल्थ की क्या कंडीशन है, जैसा कि अभी आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखा जाता है, देन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखी जाती है, उससे पता चलता है कि हेल्थ स्टेटस क्या है किसी कंट्री का। देन अगर हम कंडीशन ऑफ एजुकेशन देखना है तो उसमें हम देखेंगे लिटरेसी रेट क्या है, है ना, एनरोलमेंट का क्या रेशियो है, कितने लोग स्कूल में एनरोल होते हैं टोटल कंडीशन में जो कि हो सकते हैं उस एज ग्रुप में, है ना, सेकेंडरी लेवल पे, तो उस हिसाब से ये सारे बेसिस पे ये तय होता है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है इसी में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इशू करती है। है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें हर कंट्री को रैंक दिया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली उसका क्या रैंक है। तो आपके बुक में इसका भी एक डेटा दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि अगर रैंक हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर के रैंक पे पूरे साउथ एशिया में श्रीलंका है। श्रीलंका इज एट द 76th रैंक इन HDI जो कि सबसे हाइएस्ट है साउथ एशिया रीजन में। उसके बाद इंडिया काफी नीचे है, 130 पे है, और फिर बांग्लादेश है 136 पे, फिर नेपाल है 149 पे, पाकिस्तान है 150 पे। तो ये अगर देखा जाए तो पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत ही ये नेगेटिव डेवलपमेंट है कि ओनली श्रीलंका इज द ओनली कंट्री विच इज अमंग द विच इज मतलब 100 के अंदर जो है। बाकी सारे कंट्री अगर इंडिया भी हम देख रहे हैं तो काफ़ी बहुत खराब हमारा रैंक है, 130 रैंक है, और बाकी जो काफी छोटे कंट्रीज हैं हम उनके बराबर पहुंच जा रहे हैं। नेपाल का बांग्लादेश 136 है, नेपाल 149 है। तो इस तरह से ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के को बता रहा है कि हमारे पूरे साउथ एशियन रीजन में बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसी तरह से अदर जो चीज़ें हैं जैसे पर कैपिटा इनकम, अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम भी श्रीलंका में हाईएस्ट है, ठीक है, इट इज हाईएस्ट इन श्रीलंका, जैसे वहां पर है ये 11,669, ओके,
और जो इंडिया में है वो है 6427. तो ये गैप है बहुत ज़्यादा हम श्रीलंका से इस मामले में भी. अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पूरा का पूरा एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हर मामले में श्रीलंका ही है जो सबसे आगे है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम के ही हिसाब से ही हमने देखा तो श्रीलंका इज एट द हाईएस्ट और इंडिया का जो है वो काफ़ी नीचे है, 6000 पे है. इसी तरह से अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखें तो भी श्रीलंका ही इसमें भी सबसे आगे है, 75.5 जो है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जबकि इंडिया में ये 68.8 है, जो कि बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी लो है. बांग्लादेश में 72.8 है, नेपाल में 70.6 और इंडिया में 68.8. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने दिन जीने की जो अनुमान होता है बर्थ के टाइम में, जो कंडीशंस होते हैं एक बच्चे के, उस हिसाब से इसको तय किया जाता है कि कितने साल एवरेज लाइफ होगी. तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, मतलब कि कंट्री का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, न्यूट्रिशन की कंडीशन अच्छी है. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबसे पीछे. सिर्फ पाकिस्तान से आगे कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान 66.6 पे है, इंडिया 68.8 पे है, है ना. तो इस तरह से हम डिफरेंट क्राइटेरिया में देखें तो हर जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो आगे है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पर 1000 लाइव बर्ड्स होते हैं उन पे कितने बच्चे का डेथ होता है विद इन 1 ईयर्स ऑफ द एज, है ना. हर 1000 लाइव बर्ड्स पे कितने बच्चे मर जाते हैं विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर में, जन्म लेने के एक साल के अंदर. तो उस हिसाब से भी अगर हम देख रहे हैं तो श्रीलंका में ये सिर्फ 8 है, मतलब हर 1000 लाइव बर्ड्स पे सिर्फ 8 बच्चे हैं जो कि एक साल की उम्र पूरी करने के पहले जिनकी डेथ हो जाती है, जिनको हम इन्फेंट डेथ कहते हैं. ये सिर्फ 8 है. और अगर इंडिया का हम देखें तो ये 34.6 है, जो कि बहुत ही पुअर कंडीशन को बता रहा है. 10.6 का होना, ये 34.6 होना, ये बहुत ही पुअर कंडीशन है. और इस मामले में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं. बांग्लादेश में ये 28.2 है, नेपाल में 28.4 है, लेकिन हमारी कंट्री में ये 34.6 है. तो ये कंडीशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है, इन सबको काउंट करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट बनता है. और इसमें हम हर क्राइटेरिया में हम यही देखेंगे कि श्रीलंका जो है वो लीड कर रहा है और इंडिया की कंडीशन बहुत ही इसमें खराब मानी जाएगी. तो ये हमने आज इसको डिस्कस कर लिया. अब कल की क्लास में हम लोग इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसे कहीं पर जो डेवलपमेंट हुए आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसको हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे. ओके.